है कि चूँकि बलूचिस्तान जो है एक कबायली माशरा है और बलूचिस्तान में जितने भी कबायल आबाद है वो यहाँ का जो सबसे बड़ा कारोबार है वो ज़मीनों का लेन देन के हवाले से है। बदकिस्मती से आज हमारे क्वेटा में एक DHA का एक इदारा बन चुका है जो कि मालिकान से बगैर पूछे उनके ज़मीनों पर काबिज़ होते हैं, मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि इस मलक उबैदुल्ला कासिम में कोई भी कौम, किसी भी कौम का कोई भी फ़र्द इसमें इन्वॉल्व हुआ तो हम इनको ये वाज़े अल्फाज में बताना चाहते हैं कि वो फिर अपना खैर मनाए, वो फिर क्वेटा में रहने का, या वो क्वेटा में रहेगा या फिर काशी रहेगा, क्योंकि काशी जो है वो एक ऐसा कबाइल है जो क्वेटा का मालिक है, जिसका बैठक है, जिसका अपना असर रसूख है। तो यहाँ पर एक बात वाज़े है कि काशी कौम एक शरीफ कौम है, वो झगड़े फसाद नहीं चाहते, लेकिन ये एक बात वाज़े हो चुका है कि पहले हमारे नवाब साहब को अगवा किया गया, अभी हमारे मशरान को अगवा कर रहे हैं और कत्ल गारत हो रहा है। तो इस बात पे हमने ये फैसला किया कि अभी हम जो जिस ज़ुबान में बात करना चाहते हैं उनको उसी ज़ुबान में जवाब देंगे। शुक्रिया। फैसला किया काशी कौमी इतहा तमाम मशरान के साथ मिल बैठ के कि अगर आने वाला 72 घंटे में इन लोगों ने हमारे मलिक मशर को बाजियाब ना कराया गया तो ये क्वेटा या सूबे का बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में जितना भी काशी कौमी इत्तेहाद और काशी कौमी यूथ फोर्स के जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम शराहों को बंद भी कराएंगे और सख्त से सख्त एहतजाज भी कराएंगे और लॉ एंड आर्डर का जो भी सिचुएशन होगा वो तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे होगी, इंतज़ामिया पे होगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ पश्तो शहर से करना चाहता हूँ। मलम चिलोए पिर वे अवलोई वली वे बादशाह खाना त खान वे त जानान वे औ तद अटूल पुख्तुनिस्तान वे खुबिया हम यो मलंग वे यो पिर वे यो बादशाह खान वे। गुज़िश्ता दिनों काशी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले ANP के मरकज़ी सेंट्रल कम्युनिटी के मेंबर और मुमताज़ सियासी कबाइल रहनुमा मलक उबैदुल्ला कासी को कुछ रोज़ पहले अपने गांव किली कथीर कुचलाक से अगवा किया गया था। तारीख देखते हैं मीर अमल कासी जैसे शख्सियत को शहीद किया गया, मलिक अजमतुल्ला कासी जैसे शख्सियत, फिर बाद में वकला बरादरी पे बम हमला भी हुआ, बम ब्लास्ट। कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी की मां की इंतज़ार पे देखा, कहीं पे ड्रोन हमलों में मरते लाशों को देखा। मैंने इस मुल्क के हर कूचे में करबला का मैदान देखा। ये मसला सिर्फ काशी कौम का नहीं है, मैं समझता हूँ ये सारे बलूचिस्तान का है। हमें एक दूसरे की तहफ़ुज़ करनी चाहिए। कोई किसी की मुर्गी यहाँ से नहीं उठा सकता है, बंदा अफगानिस्तान तक पहुँच जाता है। आखिर में मैं अपने तमाम काशी कौम पश्तून और बलोच का शुक्रिया अदा करता हूँ काशी कौमी इत्तेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई और तमाम इलेक्ट्रिक मीडिया का भी मशकूर हूँ। मलक अब्दुल्ला काशी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें, अगवाकारों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। काशी कौमी इत्तेहाद वज़ीरे आला बलोचिस्तान कमांडर सरदन IGFC IG पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि मौजूद उबैदुल्ला कासी को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और अगवा में मुलविस मुलजमीन को गिरफ्तार करके कैफ़ किरदार तक पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर काशी कौमी इत्तेहाद कौमी शाहराहों पर धरना समेत सख्त एहतजाज पर मजबूर होगी, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। बहुत शुक्रिया आप साहब।